10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के दिन जिले के विभिन्न धान सोसाइटी में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। राज्य के किसानों को धान बेचने में हो रही दिक्कतें, सरकार के किसान विरोधी नीति के खिलाफ शहर के मोहारा धान सोसाइटी के सामने कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार को अपना वादा याद दिलाया। कांग्रेसियों का कहना था कि राज्य सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में 3200 रुपए में धान खरीदी करने की बात कही थी, लेकिन वर्तमान में 2300 रुपए खरीदी कर रही है। अंतर की राशि कब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। सरकार के इस फैसले से किसान काफी नाखुश हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक बैज जी के निर्देशानुसार किसानों के साथ जो भाजपा सरकार अन्याय कर रही है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन ब्लॉक स्तरीय किया गया है, जिसमें मुख्यतः तो बातें हैं कि भाजपा सरकार ने 3100 रुपए धान खरीदने का वादा किया था कि उसके साथ हम पैसा तत्काल देंगे और 3100 रुपए देंगे, तो कि आज केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष का 117 रुपया समर्थन मूल्य निर्धारित हुआ है, तो इस प्रकार 3217 रुपया किसानों को देना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार 3100 रुपया दे रही है और 117 रुपया किसानों को जो हक है उसका हक मार रही है। और जिस प्रकार से 3100 रुपया तत्काल देना था तो 3100 रुपया ना देके अभी 2300 रुपया दिया है और बाकी का पैसे को अभी भाजपा की सरकार नहीं दे रही है। और हम कांग्रेस जन पूरे प्रदेश में हम किसानों के साथ हैं और भाजपा सरकार की हालत खराब हो रही है।